मैंने मतलब दोनों को डिस्क्रीट वे में लिखा है, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, है ना। यू कैन सी इट इंटीग्रेटेड ऑल्सो, और एक के ऊपर दूसरा डिपेंडेंट है कई मामलों में, और कई मामलों में नहीं भी है। ठीक है, तो ग्रेजुअली विल अंडरस्टैंड कि डेवलपमेंट से मेरा क्या मतलब है और मैनेजमेंट से मेरा क्या मतलब है। बट द थिंग इज कि तुम्हारे जो कोर्सेज होते हैं वो इधर इंडिया में दो मतलब डिस्टिंक्ट हैं, इधर इट इज रूरल डेवलपमेंट का कोर्स और इट इज रूरल मैनेजमेंट या रूरल बेस्ड मैनेजमेंट का कोर्स है। बट तुम देखोगे कि इनके इनके कोर्स करिकुलम में भी मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, और इवन जो रूरल बेस्ड मैनेजमेंट या रूरल मैनेजमेंट का कोर्स है वहाँ पे भी डेवलपमेंट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ करिकुलम होगा। सो हाउ डू वी रिलेट दीज टू, ये भी हमारे आज के लेक्चर का वो है, एजेंडा है। सो लेट्स स्टार्ट विथ अंडरस्टैंडिंग वॉट एग्जैक्टली इज रूरल एरिया। सो द न्यू डिफिनेशन, और जैसे अगर देखा जाए तो एवरी इंस्टीट्यूशन, कॉर्पोरेट्स, डिफरेंट कंपनीज या डिफरेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन अपने हिसाब से रूरल एरिया डिफाइन करती है, और ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ गलत है, बिकॉज एवरी इंस्टीट्यूशन हैज इट्स ओन टारगेट्स टू अचीव और ऑब्जेक्टिव्स आर देयर, सो दे नीड टू डिफाइन रूरल एरिया एज पर देयर कन्वीनियंट और देयर पॉलिसीज और स्कीम्स दे आर ब्रिंगिंग इन टू। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि इंडिया में जो भी स्कीम्स बनते हैं या पॉलिसीज बनती हैं रूरल एरिया पे, तो उसके लिए क्लियर डिमार्केशन होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज रूरल एरिया। तो प्लानिंग कमीशन जो है, बेसिकली व्हाट यू नो इज कि प्लानिंग कमीशन, या आज के टाइम में इट इज कॉल्ड नीति आयोग, है ना। तो नीति आयोग के रेफरेंस में अगर हम रूरल एरिया को डिफाइन करने या उनके डिफिनेशन से रूरल एरिया को देखें, तो उनका ये कहना होगा कि मैक्सिमम पॉपुलेशन 15,000, ठीक है, वो रूरल इन नेचर कहलाएगा, अभी इट इज नॉट अ रूरल एरिया एग्जैक्टली। उसके बाद द एरिया इज बीइंग मैनेज्ड, मतलब विल बी मैनेज्ड बाय पंचायत, है ना, वो पंचायत इसको मैनेज करेंगे, बट स्टिल देर आर फ्यू मोर कंसिडरेशन टू वो बी टेकन केयर ऑफ। उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी जो होनी चाहिए वो अप टू 400 पर स्क्वायर किलोमीटर होनी चाहिए, एंड मतलब एक एक वो भी उसका एक क्राइटेरिया है कि 70% ऑफ मेल वर्किंग पॉपुलेशन इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चरल एंड एलाइड एक्टिविटीज। तो अभी एक ये भी तुम्हें पता होगा कि कई सारे गांव से जो मेल पॉपुलेशन है, जो यंग एडल्ट्स हैं, दे आर बीइंग माइग्रेटेड एंड लीविंग द चिल्ड्रेन एंड वीमेन एंड ओल्डर पीपल बिहाइंड। तो उसमें भी तुम्हें उसके कारण ये डिफिनेशन चेंज नहीं होगा कि अगर तुम बोलोगे कि सर वो लोग चले गए नाउ, मतलब 75% से कम लोग एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज में है तो रूरल एरिया में नहीं आएगा क्या? तो ऐसा नहीं है, रिसाइडिंग पॉपुलेशन की बात हो रही है। और सिमिलरली अगर प्लानिंग कमीशन को छोड़ दिया जाए तो आरबीआई इज अ डिफरेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, तो उनके हिसाब से वो सिर्फ पॉपुलेशन के हिसाब से रूरल एरिया डिफाइन करते हैं, विच इज हुज पॉपुलेशन या विच प्लेस पॉपुलेशन इज लेस देन 49,000, है ना। तो लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए आरबीआई का एक वो होता है कि विथ एवरी 5 ब्रांच, है ना, एक ब्रांच आपका रूरल एरिया में होना चाहिए, ठीक है, फॉर एनी बैंक, इवन प्राइवेट और नेशनलाइज किसी बैंक का। तो आरबीआई अपने फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ये डिफिनेशन यूज करती है, प्लानिंग कमीशन अपने डिफरेंट पॉलिसीज के लिए ये डिफिनेशन यूज करती है कि वॉट एग्जैक्टली इज रूरल एरिया, ठीक है। तो अब अगर तुम विजुलाइज करोगे तो व्हाट यू सी इन रूरल एरिया, या जैसे जनरली हम बात करते हैं कि रूरल एरिया क्या है, तो तुम तीन एस्पेक्ट्स में उसको देख सकते हो। एक उनका सोशल स्ट्रक्चर के एस्पेक्ट में, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर के स्पेस में एस्पेक्ट्स में, तीसरा इकोनॉमिक एक्टिविटीज के एस्पेक्ट्स में। तो ऐसे कई तरीके से रूरल एरिया, अगर अगर एवरी इंडिविजुअल हैज मतलब उनके ऊपर जो इम्प्रिंट होता है रूरल एरिया का इमेज, वो अलग अलग पर्सपेक्टिव से होता है। बट सिंस यू आर गोइंग टू स्टडी रूरल मैनेजमेंट और रूरल डेवलपमेंट, या फिर आप सोशल साइंस में, आप सोशल वर्क में जाना चाहते हो, रूरल डेवलपमेंट के एरिया में जाना चाहते हो, तो आपको सारे एस्पेक्ट्स को देखना पड़ेगा। सो रूरल एरिया, हाँ सॉरी, ये भी रह गया था। तो रूरल एरिया के डेफिनेशन में, सिंस इट वाज नॉट इंक्लूडेड इन दोज डेफिनेशंस, तो आपको एक छोटा मोटा चीज आपको पता होना चाहिए दैट
इट इज जनरली सेड, है ना, ऐसा नहीं है कि 70% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन रूरल एरिया में है, इसका कोई लेजिटिमेट डेटा है, बट इट इज जनरली सेड दैट 70% ऑफ इंडिया लिविंग इज लिविंग देयर, है ना, एंड इट इज ऑल्सो ट्रू दैट देयर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इज इंक्रीजिंग एज लॉट मेनी इंडस्ट्रीज आर कमिंग टू विलेजेस और इवन एग्रीकल्चरल इनपुट्स आर आउटपुट्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग और कई सारे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज आर टेकिंग प्लेसेस, जैसे मान लो कि पहले खपड़ों के घर होते थे, अब हर जगह पक्के के मकान बनने वाले हैं, बन रहे हैं, गाड़ियां यूज करने लगे हैं लोग, और कई सारे जो यूटिलिटी के प्रोडक्ट्स है वो यूज करने लगे हैं, तो अब जीडीपी में भी कंट्रीब्यूशन जो है रूरल एरिया का बढ़ता जा रहा है, एंड स्टिल मतलब 70% है, और सिंस दे आर कंसिडर्ड पुअर और जिनकी क्या डिस्पोजेबल इनकम कम होती है, बट स्टिल 55% ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर जो है बेसिकली फॉर एफएमसीजी एंड अदर गुड्स, नॉट इन लग्जरी गुड्स, ऐसा मत समझना कि 55% ऑफ टोटल मंथली एक्सपेंडिचर जो है वो रूरल एरिया से है। आई मिस टू राइट अच्छा हियर, यहाँ पे जनरली वो एफएमसीजी और यूटिलिटी प्रोडक्ट्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। हाँ, ठीक है। एंड मतलब एफएमसीजी पे तो ये हो गया 1/3 हो गया, और ये जो एक्सपेंडिचर है ये मोर ऑन यूटिलिटी प्रोडक्ट्स पे है, तो और स्टिल देयर इज स्टीप राइज इन सेल ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लग्जरी आइटम्स ऑटोमोबाइल्स इन रिसेंट ईयर्स आल्सो, मतलब ये लिखने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट विजुलाइज कि गांव गांव में अब गाड़ियां जा रही हैं, गांव गांव में टीवी टेलीविजन फ्रिज एंड सिंस द रीच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज हाई, है ना, ज्यादातर गांवों में अब इलेक्ट्रिसिटी पहुंच चुका है, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो भी पहुंचेगा ही, क्योंकि इनकम है, ऐसा नहीं है कि इनकम नहीं है, ऑल्दो जो बीपीएल और जो पुअर पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन है वो गांव और शहरों में ऑलमोस्ट एक ही तरह के हैं, मतलब उनका जो क्या बोलते हैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का जो रेशियो है वो सिमिलर ही होता है। अच्छा हाँ, तो अब जैसे रूरल सोसाइटी को अगर हम विजुलाइज करें तो गांव कई तरीके से बनते हैं, अगर तुम देखोगे तो जनरली क्या होता है कि आप अपने गांव को विजुलाइज करके गांव विजुलाइज करते हो, जबकि ऐसा नहीं है, आप ज्योग्राफी बेस्ड पे भी देख सकते हो कि जैसे पहाड़ों पर का गांव या नदी के पास का गांव या फिर समुद्र के पास का गांव, उसमें भी कई गांव जो होते हैं वो कास्ट बेस्ड कंस्टिट्यूटेड होते हैं, जैसे मान लो कि हम लोग बोलते हैं ना ये मछुआरों का गांव है, या मछुआरों तो चलो ऑक्यूपेशन बेस्ड हो गया, बट कई बार वो तुम टोली सुनते होगे या गांव सुनते होगे कि इन लोगों का गांव है, तो ऐसा कोई नाम हम नहीं लेना चाहते यहाँ पे, बट देयर आर विलेजेस विच आर बेस्ड ऑन मतलब एक सिंगुलर कास्ट के लोग जहाँ पे जाके रिसाइड करने लगते हैं, हैबिटेट करने लगते हैं, तो वो कास्ट बेस्ड हो जाता है, फिर कई सारे गांव जो होते हैं वो ऑक्यूपेशन बेस्ड पे बिल्ड होते हैं, तो वो गांव बना ही इसलिए क्योंकि वो ऑक्यूपेशन के लोग वहां पे जाकर बसने लगे शुरुआत में। गिल्ड सिस्टम जो वो स्नेक चार्मर्स हाँ, वगैरह एग्जैक्टली, और कुछ मिक्स्ड गांव होते हैं, जैसे मेरा अपना गांव है वो मिक्स्ड है, वो ना प्रॉपर कास्ट बेस्ड है ना ही ऑक्यूपेशन बेस्ड है, वो एक एरिया था जहाँ पे रहना लोगों को अच्छा लगा तो कई सारे लोग आके बस गए, तो इट्स नॉट कि वहाँ पे मतलब मिक्स्ड कास्ट के लोग नहीं है और अलग अलग टाइप के ऑक्यूपेशन के लोग वहाँ पे हैं, तो मिक्स्ड विलेज हो गया, और ट्राइबल विलेज हैज इंटायरली डिफरेंट स्ट्रक्चर देन व्हाट वी सी इन नॉर्मल मतलब इंडियन कॉन्टिनेंट के जो दूसरे विलेजेस होते हैं, ठीक है, तो आपको इस तरीके से भी विजुलाइज करना पड़ेगा गांव को लेके, और देर कुड बी अदर काइंड ऑफ डिस्टिंक्शंस आल्सो, ठीक है, तो ये तो मेजरली जो विजुलाइज होता है वो हमने बता दिया, बट यू शुड ट्रीट एवरी विलेज, नॉट एवरी विलेज मतलब एज मेनी एज कैटेगराइजेशन यू कैन डू फॉर द विलेजेस, ठीक है, और उसमें क्या होता है कि जितना कैटेगराइज करोगे, जितने टाइप से डिफाइन करोगे, योर मैनेजमेंट और योर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स विल बी डीलिंग विथ मतलब माइन्यूट डिटेल्स की वहां पे एग्जैक्टली क्या होना चाहिए और क्या चेंजेस आना चाहिए, कस्टमाइज आप उस हिसाब से कर पाओगे, ठीक है, और ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो जनरली एवरीबडी नोज और तुम लोग थोड़ा फील करते होगे, क्लोजली निटेड फैमिलीज होती हैं उनकी गाँव में, मतलब जैसे तुम देखोगे कि हम शहरों में अपने रिलेटिव्स पास में भी होते हैं तब भी उतना इकोनॉमिक या कल्चरल इंटीमेसी नहीं होती है ना, बट गांव में क्या होता है कि रिलेटिव्स में बहुत सारी चीजें कॉमन होती हैं, फिर इकोनॉमिक और कल्चरली और सोशल पर्सपेक्टिव में वो एक ही यूनिट माने जाते हैं, इससे मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ दे आर रिसाइडिंग इन अ डिफरेंट हाउसेस, इन डिफरेंट हाउसेस,
पैट्रियार्कल होता है, और या तो फिर मतलब या तो पैट्रियार्कल है तो बहुत ज्यादा है, या कई कई गांव में आसाम जैसे पैट्रियार्कल मेट्रियार्कल है तो बहुत बहुत ज्यादा मैट्रियार्कल है, मतलब इट्स एक्सटिंक्ट नॉट, है मतलब मतलब। अगर वहां मैट्रियार्कल भी है तो वो लिबरल होने का रिजल्ट नहीं है, वो एक हेरिटेज है विच दे आर हाँ कैरिंग। हाँ एक्सट्रीम पे जा चुका है। जैसे हाँ, तो जैसे पैट्रियार्की हम लोग कैरी करते हैं ट्रेडिशन को, वैसे ही दे आर कैरिंग मैट्रियार्की। इट्स नॉट लाइक दे आर मोर लिबरेटेड और एजुकेटेड, दैट्स व्हाई दे आर मैट्रियार्की, ऐसा नहीं है। सो ये ट्रेडिशंस को फॉलो करते हुए ऐसा है। ज्वाइंट फैमिली का नेचर, अभी भी ज्वाइंट फैमिली में लोग रहते हैं वहां पे। ये मैंने स्पेशल पॉइंट लिखा हुआ है बिकॉज दीज डेज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ विलेजेस। आप किसी भी गांव में तो देखोगे तो वहां पे जो यंग मेन पॉपुलेशन है वो माइग्रेट होके शहरों में आ चुके हैं, तो एक एक बहुत बड़ा गैप सा दिखेगा तुम्हें उसको डेमोग्राफी में, कि यू विल फाइंड कि 20 से लेकर 35, 40, 45 तक के एज ग्रुप के लोग जो है वो बहुत कम कंसंट्रेशन में होते हैं जितना होने चाहिए। सो मतलब इसका एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट है गांव में इन मेनी रिस्पेक्ट, जो आपको जाकर रिसर्च करोगे तो आपको कई चीजें पता चलेंगी, ठीक है। और सुपरस्टिशन या लो अवेयरनेस ऑफ मॉडर्न थिंग्स, ये सब चीज तो है ही, है ना। पुअर अवेयरनेस अबाउट मेन स्ट्रीम ट्रेंड्स, जो हम शहरों में जो चीजें जल्दी हम बात करते हैं, जिसके ऊपर हम बात करते हैं, उनके ऊपर वहां पे कम बातें होती हैं। तो इसका फायदा क्या उठाते हैं ये लोग, न्यूज चैनल्स वाले होते हैं वो, क्या एलियंस का और जादू का, ट्रेडिशनल जादू का वो न्यूज दिखाते हैं, वो उन्हीं के लिए दिखाया जाता है, क्योंकि अच्छा तो मेन स्ट्रीम एजेंडा से हाँ, वो वो अलग इंडिया है। टुडे पे दिखाता था। तो अब एक्सेसिबिलिटी के नाम पे भी अगर कोई पूछेगा कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता है, तो लोग बोलते हैं कि रिमोट होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि एक रूरल एरिया रिमोट ही हो। ऐसा भी हो सकता है कि रूरल एरिया एकदम एनएच के ऊपर हो, या ऐसा भी हो सकता है कि रूरल एरिया बिल्कुल एक मेन स्ट्रीम रेलवे लाइन के पास हो। तो ये कहना उचित नहीं होगा कि एवरी रूरल एरिया इज हैव मतलब लो एक्सेसिबिलिटी, कई जगह पे बहुत हाई एक्सेसिबिलिटी भी होता है। तो जब आप पॉलिसीज या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाते हो तो इसके ऊपर भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि आप ये मान के नहीं चल सकते कि हर गांव में पहुंचना मुश्किल है, ठीक है। और ऑफ कोर्स जो पुअर रोड्स, मतलब विद इन विलेज आपको जो रोड्स होंगे वो उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर या यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है वो पुअर होंगी। एंड अनप्लान एंड कॉम्प्लेक्स ग्रोथ ऑफ विलेजेस, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। गाँव का जो ग्रोथ हो रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ हो रहा है, वो बिल्कुल ही अनप्लान्ड होता है। उसमें सड़क वड़क भी, जो जैसे म्यूनसिपैलिटी वाले फिर भी शहरों में एक प्रोविजन बनाते हैं, है ना, तो वहाँ पे वो लोग खुद ही अपना डिसाइड कर लेते हैं कि हम इतना ही जगह छोड़ेंगे। सो देर इज नो म्यूनसिपैलिटी, सो देर इज नो प्लान्ड रोड स्ट्रक्चर देयर, तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स ग्रोथ हो जाता है वहाँ पे, और ये बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करता है व्हाइल ब्रिंगिंग द डेवलपमेंट पॉलिसीज और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। सो अब ये चीज थोड़ा इम्पोर्टेंट है, और ये तुम्हें ध्यान देना होगा कि जितने भी कोर्सेज हैं, पीजी कोर्सेज हैं विच आर बेस्ड ऑन रूरल डेवलपमेंट, है ना, जिसमें हम मैनेजमेंट की कम बात करते हैं, या हम वहाँ पे मार्केटिंग या सेलिंग के बारे में नहीं बात करते हैं, तो ऐसे कोर्सेज का मेजर आउटकम क्या है। आई हैव जस्ट ड्राफ्टेड हियर फ्यू ऑफ देम, जिससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि वहाँ के डिफरेंट कोर्सेज का, डिफरेंट पेपर्स का अलाइनमेंट क्या होगा। तो ये किसी भी मतलब रूरल बेस्ड डेवलपमेंट का कोर्स पढ़ो या मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ो, यू विल फाइंड कि आपको वहाँ के सोशल कल्चरल इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग तो आपको डेवलप करनी ही पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि ये मतलब एक जैसा है, यू विल बी स्टडिंग अबाउट द इंटायर मतलब कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के, गांव का सोशल वो स्ट्रक्चर और कल्चरल, ये मतलब कल्चरल एस्पेक्ट्स और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, ये आपको पढ़ाया जाएगा किसी भी रूरल डेवलपमेंट के उसमें कोर्स में, या रूरल मैनेजमेंट के कोर्स में, जिसमें आप ये रूरल सोसाइटीज को समझोगे किस चीज पे फोकस करके, उनके सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ रूरल एरियाज इन सिंक विद गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड मार्केट। तो आपको देखना होगा कि हाउ दे हैव बीन ट्रीटेड बाय गवर्नमेंट या फिर कंपनीज, एंड हाउ दे आर इंटरेक्टिंग विथ मार्केट, क्योंकि जो गांव के लोगों का मार्केट से इंटरेक्शन है और जो शहर के लोगों का मार्केट से इंटरेक्शन है बहुत डिफरेंट है।
एंड ड्यू टू लॉट ऑफ डिफरेंट अदर थिंग्स जो आप इसमें पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर बोल सकते हो या अवेयरनेस की कमी बोल सकते हो, तो कई सारी चीजों पे बेस्ड होके उनका मार्केट के साथ जो रिलेशन होता है वो डिफरेंट होता है शहर के लोगों के रिस्पेक्ट में। तो और गवर्नमेंट की पॉलिसीज वहाँ अलग से बनती है और गवर्नमेंट के डिफरेंट गवर्नेंस की स्ट्रक्चर जो है वो भी अलग होता है गाँव में। एंड यू हैव मस्ट मतलब आपने सुना होगा कि थ्री टायर डेमोक्रेसी के तहत हमने ग्राम पंचायत और कई सारे और रूरल गवर्नमेंट के गवर्नेंस की पॉलिसीज नई डेवलप की है, तो उस वो सब आपको समझना जरूरी है बिकॉज टू ब्रिंग एनी प्रोजेक्ट और टू इम्प्लीमेंट एनी प्रोजेक्ट इन रूरल एरिया आपको गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर या गवर्नमेंट के थ्रू जो पॉलिसीज इम्प्लीमेंट की जा रही है उसको भी आपको पता होना चाहिए, वो भी आपको उसकी भी समझ होनी चाहिए। एंड आप सीखोगे क्या, ये तो चलो ठीक है, ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो आपको डेवलप करना पड़ेगा। एंड व्हाट यू विल बी लर्निंग एंड व्हाट यू विल बी वर्किंग आफ्टर दैट कोर्स, तो आप इक्विटेबल ग्रोथ पे काम करोगे, सोशल सिक्योरिटी ऑफ पीपल, मतलब मोस्टली सोशियो इकोनॉमिक इशूज पे हम काम करेंगे, क्योंकि ये जो रूरल डेवलपमेंट का कोर्स होगा इट्स नॉट ऑन सोशल डेवलपमेंट, ये सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बेस्ड कोर्स होगा। तो जो जिनका रूरल मैनेजमेंट का भी कोर्स है ना उसमें भी ये इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अच्छा। तो ये हाँ, तो ये सारे वर्ड्स पे तुम्हें फोकस करना होगा। आई विल शेयर दिस स्लाइड टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। तो एवरी जो इसमें टर्म है ना इसको थोड़ा सा एक बार समझने की कोशिश करना अलग से, बिकॉज दीज आर द वर्ड्स विच यू विल बी स्पीकिंग इन द इंटरव्यू, आपको वहां पे बताना होगा इन दैट रिस्पेक्ट ओनली जिस रिस्पेक्ट में मैंने यहाँ लिखा है। तो इक्विटेबल ग्रोथ मतलब हर चीज को, हर पार्ट ऑफ द रूरल सोसाइटी को लेते हुए उसके ग्रोथ एजेंडाज को देखना। सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी आप लोग जानते होंगे, जैसे मान लो कि अगर अगर डेली वेजेस वाले लेबर्स हैं या फिर सीजनल अर्निंग वाले एग्रीकल्चरल फार्मर्स हैं, तो उनके साथ क्या होता है कि किसी सीजन में अगर क्रॉप प्रोडक्शन नहीं हुआ तो उनके उनकी जो लाइवलीहुड, मतलब लाइवलीहुड नहीं, उनकी जो बेसिक नेसेसिटी है वो भी कई बार पूरी नहीं हो पाती, और कई इमरजेंसी के जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जैसे हेल्थ एक्सपेंडिचर हुआ या मैरिज हुआ या एजुकेशन बेस्ड हुआ, उनके लिए उनके पास एनफ सेविंग नहीं होता, तो वो सोशल सिक्योरिटी डेवलप करना आपका काम होगा। वुमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ाना आपका काम होगा। इफिशियंट गवर्नेंस पे आपको काम करना होगा। इवन मतलब द गवर्नमेंट मशीनरी विच आर देयर दे आर इल ट्रेंड, है ना, तो उस पे भी आपको काम करना पड़ेगा उनकी ट्रेनिंग पे। तो इसमें कई बार स्कूल्स हुआ या फिर जो पंचायत के लोग हैं उनको भी आपको ट्रेन करना पड़ेगा। स्किल अपग्रेडेशन, जैसे मान लो कि अगर एक ही फार्म पे कई सारे लोग काम कर रहे हैं तो उनकी अर्निंग जो है धीरे धीरे कम होने लगती है, तो उनमें से कुछ लोगों को लेकर एक एक मतलब जैसे जस्ट लेबर टू सेमी स्किल यहाँ पे पहुंचाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। सर्विस अपग्रेडेशन की एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा। जैसे मान लो कि वट पुअर पीपल कैन ऑफर, वट रूरल पीपल, रूरल पॉपुलेशन या रूरल पीपल कैन ऑफर, तो आपको लगता है कि वो खेती करते हैं और अनाज देते हैं, ठीक है, फूड ग्रेन्स देते हैं, या फिर आप ऐसा समझोगे कि क्या बोलते हैं उसको, एनिमल हस्बेंड्री या फिर जानवर पालते हैं, तो या तो दूध देंगे या फिर मांस के लिए वो करेंगे, मतलब जानवरों को बेचेंगे या फिर वेजिटेबल उगाएंगे। ऐसा नहीं है, अगर हम थोड़ा सा इनको ट्रेन करें कि वो अपने सर्विस को अपग्रेड कर दें, जैसे अगर अगर आप कई सारे गांव में कई सारे लोग हैं जो वो गाय या भैंस पालते हैं और दूध प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, तो अगर आप थोड़ा एफर्ट डालो और मिल्क को डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करके अगर आप उसको मार्केट में बेचो, तो ये सर्विस अपग्रेडेशन हुआ। वो विद इन द विलेज ही अगर आप करते हो तो विलेज के ही लोगों का इनकम जनरेट होगा। सिमिलरली अगर वेजिटेबल है या फूड ग्रेन्स है उस पर बेस्ड आप फूड प्रोसेसिंग का कोई यूनिट डाल देते हो, है ना, गांव में, तो वो भी एक अपग्रेडेशन हुआ उनके प्रोडक्ट का। या फिर अगर कंस्ट्रक्शन वाले लेबर्स हैं या फिर मतलब नो स्किल लेबर्ड है, उनको थोड़ा सा स्किल्ड कर दिए तो उनके उनकी सर्विस अपग्रेड हो जाती है। तो सर्विस अपग्रेडेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर हियर, जो जिसको बढ़ा के आप पूरे गांव की इनकम आप बढ़ा सकते हो।
एसएसजी सेल्फ हेल्प ग्रुप और कोऑपरेटिव्स कैसे डेवलप करते हैं, इसकी केस स्टडीज वगैरह पढ़नी पड़ेगी तुमको, इस पे काम करना पड़ेगा, है ना। लिंकिंग विथ मॉडर्न मार्केट्स, वॉट एवर यू आर बींग, मतलब प्रोड्यूसिंग और स्किल्स जो भी आप दे रहे हो, और उनके उनको मॉडर्न मार्केट्स या मॉडर्न वर्ल्ड से, मेन स्ट्रीम वर्ल्ड से उनको ऐड करना पड़ेगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन इज द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हियर, बैंकिंग सिस्टम में सबको लाना होगा उनको, इंश्योरेंस और डिफरेंट बैंकिंग के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके लिए अवेयर करना, उसको उसमें इन्वॉल्व करना, और गवर्नमेंट स्कीम्स की पार्टिसिपेशन में हेल्प करना। तो ऐसे कई सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और इनफैक्ट सबके लिए ही तुम्हें पेपर पढ़ना पड़ेगा, अलग 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 पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे, प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे, तब जाकर आप डिस्टिंक्शन समझ पाओगे कि अलग डिफरेंट विलेजेस में या डिफरेंट एरिया के विलेजेस में अलग अलग क्या प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं। तो ये आपका बेसिकली जो रूरल डेवलपमेंट का जो कोर्स है उसका आउटकम है, ठीक है। तो जैसे टेस्ट में या फिर कई सारे जो रूरल डेवलपमेंट वाले कोर्सेस हैं, तो वहाँ पे आप पढ़ के आप इतनी सारी चीजों में, ये आपका लर्निंग आउटकम होगा, और यू कैन इन्वॉल्व योर सेल्फ इन ऑल दिस टारगेट या गोल्स फॉर रूरल डेवलपमेंट। अब आते हैं हम लोग मैनेजमेंट बेस्ड कोर्सेज के आउटकम्स पे। तो ये तो आपका दोनों, मतलब ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ये तो मुझे लगता है कि इट्स नॉट फॉर जस्ट रूरल मैनेजमेंट या डेवलपमेंट पढ़ने वाले बच्चों के लिए, बट कोई भी सोशल सेक्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए ये अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। उसके अलावे व्हाट विल बी लर्न इन टर्म ऑफ मैनेजमेंट बेस्ड कोर्सेज, तो इसमें आपको रूरल सप्लाई चेन, अब रूरल सप्लाई चेन आप ऐसे समझो कि जैसे शहर के मार्केट होते हैं ना, तो जैसे मान लो कि आप एक ट्रक प्रोडक्ट जो है किसी मार्केट में आप ले जाओ एक छोटे से शहर में या किसी भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले शहर में, तो मोस्ट पॉसिबली कि मतलब ये एक ट्रक जो है एक बार में पूरा पूरा ट्रक यूज हो जाएगा इस शहर में। बट गांव क्या होता है, बहुत डिस्क्रीट पॉपुलेशन है, अलग अलग जगहों पे डिस्पर्स्ड है, तो वहां पे क्या होता है कि यही एक ट्रक जो है इसको फिर 10 अलग अलग भागों में सब जगह पहुंचाना होता है। तो ये जो इनकी लॉजिस्टिक है, मतलब सप्लाई चेन का एक पार्ट है ये। दूसरा क्या कि तुम देखोगे कि जैसे कोई भी कंपनी है तो वो ऐसे चलती है कि जैसे मान लो कि यहाँ पे आपका सप्लायर्स है, रॉ मटेरियल सप्लायर है ना, फिर आपकी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, फिर आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, फिर होलसेलर है, फिर रिटेलर्स है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोडक्ट यहाँ तक जाता है ना, तुम्हें लगता होगा कि जैसे सप्लाई रॉ मटेरियल किसी ने जनरेट किया, सप्लायर ने उसको थोड़ा प्रोसेस किया, फिर तुमने उसको और प्रोसेस किया, फिर आपने उसको पैकेज करके डिस्ट्रीब्यूटर के पास डाला, डिस्ट्रीब्यूटर डिफरेंट डिफरेंट होलसेलर को डालेगा और होलसेलर से रिटेलर बाई करेंगे। तो बेसिकली व्हाट इज मूविंग फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, तो आप जनरली जो हमारे दिमाग में आता है कि प्रोडक्ट मूव कर रहा है इन एनी फॉर्मेट, बट ऐसा नहीं है। प्रोडक्ट के साथ तीन चीजें मूव करती हैं, मतलब दो चीजें मूव करती हैं और एक तो इंफॉर्मेशन। तो प्रोडक्ट जो है वो फॉरवर्ड मूवमेंट है, इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों मूवमेंट है, और एक है जो फंड, तो फंड जो है वो बैकवर्ड मूवमेंट है। अब ये मैन्युफैक्चरर के पास या ये सप्लायर के पास जो पैसा आएगा, आखिर वो पैसा यहीं से तो आएगा। तो अब हाँ, तो रिटेलर अगर पैसा लेता है तो समहाउ रिटेलर पैसा किसी तरह से होलसेलर को देगा, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर को देगा, डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर को देगा, मैन्युफैक्चरर फिर सप्लायर को देगा। तो ये जो मूवमेंट है, जो बेसिक सप्लाई चेन की कॉम्प्लेक्सिटी है, वो ऐसा नहीं है कि गाँव में ही ज्यादा है, शहरों में भी होती है कॉम्प्लेक्सिटी, गाँव में जाकर ये और बढ़ जाती है क्योंकि डिस्पर्स हो जाता है रिटेलर्स की वो हो जाती है, अवेयरनेस कम हो जाती है, दूसरा इनका स्केल बहुत कम हो जाता है बेचने का। तो ड्यू टू दीज रीजंस जो ये मूवमेंट्स हैं वो यहाँ पे डिसरप्ट हो जाती है। तो यू नीड टू क्रिएट पैरेलल सप्लाई चेन्स और अल्टरनेटिव सप्लाई चेन मैकेनिज्म टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स ऑफ इम्पेडिमेंट्स बोलो या फिर लो स्केल के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि अगर आप जबरदस्ती यही काम करोगे जो शहर में करते हो तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो सकती है। तो रूरल सप्लाई चेन्स आर लिटिल कॉम्प्लेक्स टू डील, ठीक है। और ये कभी सप्लाई चेन पे किसी ने बात किया कि भाई वाई रूरल सप्लाई चेन्स आर डिफरेंट, तो आप ये बोलोगे कि सप्लाई चेन में हम जनरली हमें फील होता है कि प्रोडक्ट की मूवमेंट है, बट ऐसा नहीं है, इन्फॉर्मेशन की भी मूवमेंट। अब इन्फॉर्मेशन की मूवमेंट कैसे प्रॉब्लम होती है, जैसे मान लो कि
रिटेलर ने किसी प्रोडक्ट को लेकर गलत इन्फॉर्म्ड है या उसको आइडिया नहीं है, तो होलसेलर से वो गलत डिमांड करेगा या फिर ज्यादा डिमांड करेगा, कम डिमांड करेगा या अलग टाइप का प्रोडक्ट का डिमांड करेगा। तो आपका इन्फॉर्मेशन अगर रिटेलर तक सही से नहीं पहुंचा, अवेयर नहीं किया, इनफैक्ट रिटेलर के बाद जो कस्टमर है, कस्टमर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सप्लाई चेन बिकॉज वही तो फाइनल कंज्यूमर है, तो कस्टमर तक भी आपके प्रोडक्ट की सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची तो फिर वो दोबारा वो खरीदेगा नहीं। तो ये पूरा का पूरा सप्लाई चेन है जिसमें इन्फॉर्मेशन की मूवमेंट दोनों तरफ है, मतलब फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी, ये इसके कई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो वो प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आपको एक एफिशिएंट सप्लाई चेन आपको गांव के लिए अलग से डेवलप करना पड़ता है, विच इज नॉट लाइक योर अर्बन सप्लाई चेन, ठीक है। फिर उसके बाद गाँव के लोगों का जो एक्सपेंडिचर पैटर्न होता है उस पर आपको रिसर्च करना पड़ता है, बिकॉज क्योंकि रूरल मार्केट है, आप अल्टीमेटली यू आर वर्किंग फॉर अ कंपनी, और कॉर्पोरेट्स जो होते हैं वो आपको प्रॉफिट के लिए ही काम करते हैं। तो कॉर्पोरेट नीड्स टू अंडरस्टैंड कि जैसे शहरों में भी हम पता करते हैं ना कि डिमांड कितना है, तो गाँव में डिमांड हम नहीं कई बार बता सकते, बट हम उनकी एक्सपेंडिचर का पैटर्न से हम ये कह सकते हैं कि हम कितना डिमांड जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि लैपटॉप कितना बिकता है उसके हिसाब से हम नेक्स्ट ईयर का डिमांड करते हैं, बट एक नए गांव में आप जाते हो तो आप नहीं बता सकते कि हम यहाँ 100 प्रोडक्ट बेच देंगे, क्योंकि डिमांड एस्टिमेट करने का वहाँ कोई तरीका नहीं है। वहाँ पे आपको एक्सपेंडिचर पैटर्न को रीड करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, एंड देन हाउ वी कैन गेस कि हाँ इतना प्रोडक्ट हम यहाँ पे बेच सकते हैं। तो इस तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज और इकोनॉमिक जो एक्सपेंडिचर या जो भी उनकी बाइंग पैटर्न है, उनके ये कस्टमरी जो भी ट्रेडिशनल उनकी लाइफस्टाइल है, उसको उस पर रिसर्च करना, उसको अंडरस्टैंड करना, ठीक है। लोगों की इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना, इस पर हम अभी और भी आगे बात करेंगे। गाँव में सिर्फ एडवर्टाइज करने से या फिर सिर्फ इंफॉर्मेशन देने से आपका कोई प्रोडक्ट नहीं बिकता है, दे नीड मोर स्कीम्स टू गेट इन्वॉल्व। वो जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक दे विल नॉट बाई, ठीक है। तो इन्वॉल्वमेंट के लिए आपको एक स्ट्रेटजी डेवलप करनी पड़ेगी, एंड दैट यू विल बी लर्निंग इन द कोर्स, बिकॉज ये सुनने में आसान लगता है कि हाँ हम इन्वॉल्वमेंट बढ़ा देंगे, बट ऐसा होता नहीं है। व्हेन यू विल गो ऑन फील्ड यू विल फाइंड कि अगर कुछ आप डायरेक्ट वो देखते हो, मतलब कि एडवेंचरस देखते हो कि हाँ हम लोगों को इन्वॉल्व कर लेंगे, उस यू विल फाइंड लॉट मेनी अदर ऑब्स्टेकल्स इन दैट ऑल्सो। तो हाँ, तो उसके लिए आपको डिफरेंट केस स्टडीज पढ़ के, रिसर्च करके, विजिट करके आपको देखना पड़ेगा। तो इसी तरह से सोशल इंगेजमेंट, मतलब एक तो हुआ कस्टमर इन्वॉल्वमेंट, दूसरा हुआ सोशल इंगेजमेंट। ऐसा नहीं है कि एक यंग पर्सन को आप कुछ बेचना चाहते हो तो उसी को केवल आपको कैटर करना है, आप पूरी सोसाइटी को इंगेज करना पड़ेगा आपको। और बिकॉज ये इंगेजमेंट कैसा होता है, डेवलपमेंट नेचर का हम करना चाहते हैं, जैसे अभी आगे हम एग्जांपल देंगे ई चौपाल और डिफरेंट का, ठीक है। इनके अवेयरनेस कैंपेन भी बहुत अलग होते हैं, मतलब रूरल मार्केट में, ठीक है। रूरल मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो होगी वो इंटायरली डिफरेंट स्ट्रेटजी, मतलब डिफरेंट नहीं बोलोगे, मतलब ऐसे बोलोगे कि वो ट्विस्टेड होता है, बिकॉज द वेरिएबल्स आर डिफरेंट हियर। तो जो रूरल, मतलब जो ब्रांडिंग या रूरल मार्केटिंग है, ये आपको वो बिल्कुल नए सिरे से पढ़ना पड़ेगा। जैसे जो आप कोटलर की किताब पढ़ के मार्केटिंग हम पढ़ते हैं फॉर द अवेयर्ड कस्टमर्स, अब उसको बहुत चेंज करना पड़ता है जाके रूरल मार्केट में, ठीक है। और ये आपका प्रोसेस इम्प्रूवमेंट फॉर रूरल लॉजिस्टिक्स, इस पे भी आपको काम करना पड़ेगा। एंड लॉजिस्टिक का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट फ्लो नहीं है यहाँ पे, लॉजिस्टिक का मतलब व्हाट यू नो इज कि प्रोडक्ट, इंफॉर्मेशन एंड फंड, इस तीनों का फ्लो। तो ये तुम्हारा बेसिकली रूरल मैनेजमेंट बेस्ड कोर्स का आउटकम होगा, ठीक है। तो तुम जैसे अगर तुम इरमा में जा रहे हो, अगर इरमा का इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो यू नीड टू एक्सपेक्ट बोथ ऑफ दीज स्लाइड्स फॉर योरसेल्फ, ठीक है। तो क्योंकि वो इस दोनों पे बात करेंगे, और मैक्सिमम रूरल डेवलपमेंट वाले जो कोर्सेज है, नाउ दे आर कन्वर्टिंग देमसेल्फ इनटू रूरल मैनेजमेंट ऑल्सो, और रूरल मैनेजमेंट वाले जो कोर्स है वो तो उनका इनहेरिटेड होता ही है रूरल डेवलपमेंट। अब मैंने तुमको ना एक डिस्टिंक्ट करने के लिए कि कैसा ये, इसमें फर्क क्या है, इसमें तुम्हें बताता हूँ मैं। जैसे ये जो एग्जाम्पल्स ऑफ रूरल कैंपेन्स हैं, ये बेसिकली मैनेजमेंट के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, मैनेजमेंट बेस्ड। तो इसमें तुम देखोगे कि कुछ, एक तो मैं बताता हूँ, बाकी तुम लोग अपना उसमें रिसर्च कर लेना, ठीक है।
जैसे उत्सव कैंपेन, इसमें क्या करते थे एशियन पेंट्स की ड्यूरेबिलिटी को दिखाने के लिए गांव में लॉन्च करने से 6 महीने पहले मुखिया के घर को रंग देते थे, ठीक है, पेंट कर देते थे, और 6 महीने बाद जब वो लॉन्च करते थे तो बताते थे कि देखो ये 6 मंथ में कितना ड्यूरेबल रहा है हमारा पेंट, ठीक है। तो इस तरह के, मतलब जो कि शहरों में ये प्रैक्टिस नहीं करनी होती है आपको, है ना, गांव में ये प्रैक्टिस आपको बहुत फायदा कर देगा। क्यों? क्योंकि जो मुखिया का घर होता है इट इज बीइंग सीन बाय एवरीवन, वो सब लोग उस पर ध्यान देते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन्स हैं, सक्सेसफुल कैंपेन्स के एग्जाम्पल्स हैं, इसको तुम पढ़ लेना, ठीक है। तो ये हुआ रूरल मार्केटिंग और रूरल एंगेजमेंट या सोशल एंगेजमेंट के एग्जाम्पल्स, ठीक है। सर ये उत्सव में क्या क्या था मैंने सुना नहीं एक्चुअली। शुरू में क्या बोला आपने, मुखिया के घर उत्सव में में पेंट ये लोग किया। मुखिया घर में 6 महीना पहले, मतलब लॉन्च करने से 6 महीना पहले पेंट कर देते थे। अच्छा तो जब लॉन्च करेंगे तो ये दिखाएंगे कि देखो 6 महीना पहले हमने लॉन्च किया था, एंड दिस पेंट इज सो ड्यूरेबल। तो अच्छा अच्छा ओके ड्यूरेबिलिटी एस्पेक्ट्स को दिखाने के लिए, तो होता है ना कि थोड़ा ज्यादा ट्रस्ट डेवलप करने के लिए और लॉयल्टी हाँ डेवलप करने के लिए। तो अच्छा, ये हुआ तुम्हारा रूरल, मतलब सो दो तीन एंगेजमेंट और हुआ बता दो तुम इसमें। इसमें। और एक अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं रुक जाओ। ये जैसे नौचंडी मेला जो है ना, है ना, ये 700 के साथ खत्म। ये बेसिकली गांव के जो फेस्टिवल्स होते हैं ना, एग्जाम इज मतलब वन ऑफ द एग्जाम्पल इज नौचंडी मेला। तो हर गांव में तुम देखोगे ना कोई मेला या कुछ ना कुछ होता है साल में, कभी ना कभी एक दो बार। अच्छा हाँ, तो वो ट्रेस करके उस मेला के अंदर आप उसको प्रमोट करते हो अपने प्रोडक्ट को, सारे प्रोडक्ट को, अच्छा ठीक है। और इसमें और ये क्या है, हाँ ये जैसे एक्सपीरियंस हुंडई है, इसमें क्या है कि ये ऐसे सेंटर्स ओपन करते हैं, मतलब गांव में टेम्पररी सेंटर्स, जहाँ पे लोगों को वो करते हैं, मतलब ड्राइव का एक्सपीरियंस देते हैं हुंडई को, अच्छा है ना। मतलब जरूरी नहीं कि पोटेंशियल बायर ही हो, किसी को भी, इसी तरह ठीक। का है। अब ये जैसे मान लो कि, अब ये तो हुआ कि तुम्हारा कॉर्पोरेट बेस्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजी और मार्केटिंग बेस्ड ये हो गया, चेंजेस हो गए इसमें। एक और हमें, मतलब इसमें कई, जैसे सप्लाई चेन मैंने बोला था ना, यहाँ पे मैंने तुम लोग को ये भी बताया था ना कि मैनेजमेंट बेस्ड कोर्सेज में तो तुम सबके एग्जाम्पल खोज सकते हो, बट मैंने मेजरली जो जो थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो तुम्हें पढ़ लेना चाहिए, वो मैंने रखा है। अब एग्जाम्पल्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, अब ये भी कॉर्पोरेट के थ्रू भी हो सकता है और नॉन कॉर्पोरेट के भी थ्रू हो सकता है, बट ये यहाँ पे अभी गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है जो भी हम चीजें बता रहे हैं। सो यू एज अ मैनेजर यू कैन थिंक दीज थिंग्स फॉर एनी कंपनी कि हम ऐसा कर सकते हैं। जैसे ई चौपाल जो है, अब ये सोशल इंगेजमेंट का वो है, सोशल इंगेजमेंट फॉर डेवलपमेंट, इसका एग्जाम्पल है। इसमें क्या करते हैं ये लोग कि गांव में एक सेंटर सेटअप करते हैं जिसमें कंप्यूटर और सब चीज होता है, और गांव के लोगों को बुलाया जाता है इवनिंग में बैठने के लिए। तो वहाँ पे डिफरेंट इश्यूज, जो फार्मिंग इश्यूज हैं या उनके दूसरे इकोनॉमिक इश्यूज हैं, उस पर डिस्कस करना, और उसी के साथ साथ वहाँ पे प्रोडक्ट्स भी रखते हैं उनको, मतलब एग्रीकल्चरल बेस्ड जो भी प्रोडक्ट होता है उनको वहाँ पे डिस्प्ले भी करते हैं, फिर इंटरनेट की मदद से उनको हेल्प भी देते हैं, एक्सपर्ट से बात भी कराते हैं। तो ये एक ई चौपाल जो है वो इनका इनिशिएटिव था, ITC वालों का। ये जोहो जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको अभी पद्म भूषण या पद्म विभूषण मिला है। क्या मिला है, तुम लोग GK में पढ़े क्या? इस नहीं बार यार 26 जनवरी को मिला। तो जोहो इज लाइक मल्टीनेशनल कंपनी, उनका क्या बोलते हैं, कौन सी जगह है US में, कैलिफोर्निया, वहां पे ये कंपनी का हेडक्वार्टर हुआ करता था। बट दिस पर्सन, मतलब जो फाउंडर और इसके वो हैं MD हैं, इन्होंने पूरा जो जोहो का वो है हेड ऑफिस है, उसको एकदम विलेज एरिया, एकदम रूरल एरिया में जाकर सेटअप कर दिया है। और इससे पहले से भी वो एक जोहो यूनिवर्सिटी चलाते थे, जिसमें मतलब जैसे ऐसा कोई यूनिवर्सिटी टाइप का नहीं था कि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, वो पढ़े लिखे बच्चों को जो कहीं से ग्रेजुएशन किए हैं या +2 भी किए हैं, उनको कोडिंग वगैरह सिखा के अपने आप, तो मतलब कई करीब 5,000 या समथिंग एम्प्लॉइज दे हैव हायर्ड थ्रू दिस इनिशिएटिव। तो वो गांव के ही बच्चे तो स्किल्ड हुए ना, तो मैंने तुम्हें जो बताया था कि स्किल अपग्रेडेशन पे काम करना है, नाउ दे आर
अब सिंस दे हैव ऑल्सो शिफ्टेड देयर हेडक्वार्टर्स इन द सेम एरिया, तो एन नंबर ऑफ अदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स दे आर डूइंग. और उसमें क्या होता है कि जो कंपनी के ही स्टाफ्स होते हैं ना, वो भी एक एसेट बन जाते हैं फॉर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स. तो होता है कि जैसे एक सीएसआर के लिए हमें इन्वॉल्व करना पड़ता है लोगों को भेज कर, तो वो आपको एफर्ट बच जाता है. एंड एंड द टोटल जो वो है एंगेजमेंट है कंपनी लोगों का डेवलपमेंट परस्पेक्टिव से, तो वो इंटीग्रेटेड हो जाता है. तो ऐसा कोई सीएसआर डिपार्टमेंट नहीं है, द इंटायर कंपनी इज डूइंग सीएसआर, ऐसा टाइप का फीलिंग है वहां पे. और ये एक है जो तुम्हारा कोऑपरेटिव सोसाइटी डेवलप करने का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल इन वर्ल्ड तुम कह लो. वर्गीज कुरियन वॉज द पर्सन बिहाइंड इट. तो एक ये तो पता ही होगा तुम्हें अमूल में क्या है कि इन्होंने एक मतलब फैक्ट्री बना के आसपास के सारे गांवों से जो जो दूध बर्बाद हो जाता था बेच नहीं पाते थे या फिर उनकी लॉजिस्टिक इशूज होते थे, तो वो सबको सॉल्व करके उन्होंने एक जगह कंपाइल मतलब सब एक जगह लाके अब डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स डेवलप करके. तो ये तो इसके इसको रेप्लीकेट हर जगह किया गया है इंडिया में. दिल्ली में मदर डेयरी हो, बिहार में सुधा हो, है ना, राजस्थान में सांची डेयरी हो. तो ये दिस इज वन ऑफ द मतलब वन ऑफ द बेस्ट और ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. ठीक है. और इसके अलावा जैसे मान लो ये हो गया तुम्हारा कॉर्पोरेट बेस्ड जिसमें मार्केटिंग के साथ साथ सोशल इन्वॉल्वमेंट है, ये हो गया पूरी कंपनी एज अ सीएसआर काम कर रही है, ये हो गया तुम्हारा एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह का एग्जाम्पल. और प्रधान इज लाइक समझो एनजीओ बेस्ड एग्जाम्पल. तो ये लोग क्या करते हैं कि गाँव में जाकर मल्टीप्लेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करते हैं. तो मतलब स्टार्ट फ्रॉम एजुकेशन, हेल्थ, वुमेन सेफ्टी या डोमेस्टिक वायलेंस, एवरीथिंग, मतलब हर गांव के इश्यूज को आइडेंटिफाई करके एक ही साथ काम करते हैं. तो ये एनजीओ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हो गई और इसका बहुत इंडिया लेवल पे काम होता है, मतलब इनका स्केल भी बहुत ज्यादा हाई है. तो ये भी तुमको पढ़ना चाहिए व्हाट दे आर डूइंग. अब इसके बाद आता है कि जैसे ये मैंने बताया मार्केटिंग एफर्ट्स हो गया, ये हो गया कॉर्पोरेट एफर्ट्स हो गया या कॉर्पोरेटिव एफर्ट्स हो गया. अब गवर्नमेंट्स के एफर्ट्स क्या आते हैं मतलब इस पे, तो ऑल्दो मैंने बहुत कम यहाँ पे मेंशन किया है, सिंस 1947 न्यूमरस प्रोजेक्ट्स हैज बीन मतलब स्कीम्स हैज बीन क्रिएटेड फॉर रूरल डेवलपमेंट. आज तुम्हारा 2021 है और आज भी हम रूरल डेवलपमेंट के लिए स्कीम्स का डिमांड करते हैं और उसको वो करते हैं इम्प्लीमेंट कराने के लिए गवर्नमेंट से वो बोलते हैं. तो इसमें जैसे कुछ तो पहले से था कि एग्रीकल्चरल एरिया डेवलप करने का, एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट डेवलप करने का, हाई एल्ड वैरायटी, तो ये सब पुराने प्रोजेक्ट्स हैं जो आज भी इसके स्कीम्स चलते हैं कई सारे. फिर ट्रेनिंग फॉर यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये भी सब पुराने स्कीम्स हैं. ये कुछ नए हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ये अभी माइग्रेशन वाले टाइम में दिस स्कीम्स हेल्प द लॉट इन फीडिंग द पुअर रूरल पीपल. ठीक है. तो ये एक एक उसका काम किया हमारे लिए, सॉक ऑब्जर्वर का. ठीक है. तो इसके बाद प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम सड़क योजना, ये अटल बिहारी वाजपेयी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और थ्रू दिस वी हैव मेड एक्सेसिबल मतलब सबको एक्सेसिबल, सारे गाँव को एक्सेसिबल करने की कोशिश की है. फिर इंदिरा आवास योजना, ये भी तुम अभी जैसे कभी ट्रेन वेन पे जर्नी करोगे तो यू विल फाइंड कि गाँव में जाओगे ना तो एक बड़ा सेम टाइप का घर तुम्हें दिखेगा बहुत सारे बल्क में. तो वो गाँव के जो हाउस होल्ड्स हैं उनके लिए घर घर देने का. और अभी करेंटली जो जिसपे गवर्नमेंट सबसे ज्यादा काम कर रही है वो रूर्बन नाम से है. इसमें गाँव को बिल्कुल अलग नहीं करके रूरल अर्बन को थोड़ा मुक्स मतलब अर्बन को थोड़ा मतलब रूरल को अर्बन में कन्वर्ट करने की बात होती है. मतलब कन्वर्ट तो नहीं होगा, मतलब कि गांव की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको केवल गांव की तरह ना रख के थोड़ा उसको अर्बनाइज किया जाए, इस पे ज्यादा ये एफर्ट डालते हैं ये लोग. ठीक है. सो मोर ऑर लेस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसके अंदर कई सारी बातें आ सकती हैं. ठीक है. ठीक तो है. ये द एंड होना चाहिए था यहाँ पे लिखा हुआ. अब बताओ तुम इसके अलावे कि अब क्या तुम्हें इसमें और री डिस्कस करें. मैंने फ्लो में सारा बोल दिया क्योंकि वो रिकॉर्डेड है, तो ये हम डालेंगे इसको यूट्यूब पे. ठीक है.
हाँ थोड़ा सा सर वो वाला बता ना, जो आप कह रहे थे ना कि रूरल सप्लाई चेन्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है इस केस में, और इवन मार्केटिंग भी काफी डिफरेंट हो जाती है रूरल केस में, थोड़ा सा अगर वो बोले। हाँ तो एक मिनट बताता हूँ मैं। जैसे तुम किसी भी उस पे प्रोडक्ट पे बात करोगे ना, जैसे तुम अगर गांव में जाओगे तो तुम देखोगे कि जैसे प्रोडक्ट जो है वो सेम टाइप का होता है दिखने में, लेकिन उसके नाम अलग होते हैं। जैसे फेयर एंड लवली का फेयर एंड लोनली लिख के भी बेचते हैं लोग गांव में। तो अच्छा होता क्या है कि जो गांव में क्या है कि दे आर नॉट रेडी टू रीड, उनके लिए मतलब अगर उनको पढ़ने आता भी है ना तब भी वो पढ़ना नहीं चाहते। दे रिमेम्बर इट बाई पिक्चर्स, ठीक है। तो किसी भी कंपनी के लिए बस आप उसकी पैकेजिंग सेम कर दो तो गांव के लोग ना उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि वो रियल है कि नहीं या ओरिजिनल है कि नहीं। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट गांव का लोग, इवन मतलब तुम शहरों में भी देखोगे कि कई बार हम मतलब पढ़ना उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझते। वी रिकॉल ब्रांड बाई देयर इमेज, ठीक है। तुम अभी भी देखोगे ना कई सारे मतलब शहरी इलाकों में जहाँ पे एजुकेटेड सोसाइटी नहीं है या फिर अवेयर नहीं है कि लो क्वालिटी का प्रोडक्ट भी बेचा जा सकता है, वैसे एरिया में तुम देखोगे कि बिस्लेरी को बिल्सरी ब्रांड से बेचा जाता है, हाँ वो बिल्कुल एक जैसा दिखता है। तो अब क्या है कि जैसे मान लो कि ये कौन बेच रहा है, ये तो बेच रहा है रिटेलर ही बेच रहा है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि कोई और बेच रहा है। तो हाउ कम रिटेलर इज नॉट सेलिंग बिस्लेरी एंड बिल्सरी? तो सीधी सी बात है, तुम बोलोगे कि भाई इसमें मार्जिन ज्यादा दे देती होगी लोकल कंपनी। बात समझ में आ रही तुम्हें? तुम सेंटर भी आते तो ना, तो बगल में सोनू भैया का दुकान था, ठीक है। तो तुम कई अच्छा बार देखोगे वहां पे भी नकली पानी होता था अच्छा क्योंकि मार्जिन ज्यादा है। अब तुम ये बोलोगे कि ये तो रिटेलर की गलती है, रिटेलर की गलती नहीं है, ये समहाउ दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरर और द कंपनी कि वो रिटेलर को अपने उसमें रखे, ठीक है। तुम समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, एक और बोलना सर, मतलब मतलब ये कैसे होता है। मैन्युफैक्चरर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रिटेलर दूसरा प्रोडक्ट ना बेच के आपका प्रोडक्ट बेचे। अच्छा समझ आ रही है बात? ठीक है, मतलब उसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, इज अकाउंटेबल। हाँ, मैन्युफैक्चरर को लेनी पड़ेगी। अब कैसे करेगा तो उसके उसका कोई ना कोई उपाय तुमको एज ए मैनेजर सोचना पड़ेगा। अब जैसे मान लो कि मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि जैसे हम ये करेंगे कि हम रिटेलर को ये बोलेंगे कि अगर आप हमारा प्रोडक्ट बेचोगे, जैसे सामने वाले का प्रोडक्ट जो है वो अल्टीमेटली वो फेड हो जाएगा कल को क्योंकि वो नकली प्रोडक्ट है ना। हम उस पे केस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप हमारा प्रोडक्ट बेचोगे तो वी कैन मेक इट लाइक कि आपको 2 साल के लिए 3 साल के लिए एक्सक्लूसिव राइट्स दे देंगे, है ना, या ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन दे देंगे। तो ऐसा कुछ आपको लेकर आना पड़ेगा। तो ये सब जो इस चीजें है ना वो तुम मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ही आता है। अच्छा सर, एक चीज बताओ, ये जो ऐसे नकली मतलब अलग अलग नाम से बेच देते, तो इसमें मतलब ये तो अलाउड नहीं होता है ना, ये तो इलीगल जैसा काम नहीं हो जाता, कि नहीं, कैसे इलीगल करते हैं? कैसे हो गया? देखो उन लोगों ने क्या किया कि प्रोडक्ट का नाम रख दिया। अब छोटे छोटे कंपनीज है ना, कितना का बड़ी कंपनी के कहाँ कहाँ जाकर केस करते रहेगी, है ना। समझ रहे हो मेरी बात? तो वो लीगल इश्यूज बाद में, अभी बिक तो रहा ही है ना। ठीक है। और दूसरा जो मैं बता रहा था कि जैसे मतलब डिस्पर्स्ड होते हैं ना रिटेलर, छोटे छोटे होते हैं, गांव भी दूर दूर होता है, तो आप एक बार में सारा प्रोडक्ट नहीं पहुंचा सकते, तो आपकी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो हाई हो जाती है। तो आपको उस हिसाब से प्लान करना पड़ेगा कि कब कैसे पहुंचाओगे, क्या इन्वेंट्री रखोगे, कहाँ पे सेंट्रलाइज इन्वेंट्री रखोगे, ये सब भी तुम्हें सप्लाई चेन के डिसीजंस लेने पड़ेंगे। मतलब सप्लाई चेन की रूरल मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ने के लिए
तुमको नॉर्मली सप्लाई चेन पहले समझना पड़ेगा। अच्छा हाँ करेक्ट ऑब्वियसली। समझे? तो इसीलिए थोड़ा बहुत उसको समझ लो कि क्या है, और बाकी इतना तुमसे पूछेगा नहीं डिटेल में, फिर तो तुम मैनेजर ही हो जाओगे ना यहीं से। हाँ ऑब्वियसली। और बताओ, ये मतलब अगर इसको तुम ध्यान से अगर इस पूरे स्लाइड्स को पढ़ लोगे ना, समझ लोगे, तो तुम्हारे पास बहुत कुछ हो जाएगा बोलने के लिए और खुद को अलाइन करने के लिए। ठीक है? ठीक है सर। एक